हमने चिताया मोदी जी को और हमारी ही मोदी जी ने ऐसी तैसी भेज दी। कुछ नहीं कमा रहे यार, सब पल्ले से जा रहा है, यहाँ ढीला है बिल्कुल, एक पैसे का काम नहीं है। रवि शंकर जी यही कहेंगे कि देखो लाइन टॉयलेट के बाहर कहाँ से हैंगर, जब इतने लोगों को टट्टी आ रही है तो इसका मतलब भूख तो है ही नहीं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश अभी भी आर्थिक मोर्चे पर मंदी की मार झेल रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रियल लाइफ से जो अर्निंग हो रही है देश में, उससे बताया जा सकता है कि मंदी नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ की हकीकत नहीं है। और उन्होंने भी इसको कुछ दिन बाद इस बयान को वापस ले लिया। करीब एक महीने पहले हमने दिल्ली के दो बड़े मार्केटों को तलाशा था, चांदनी चौक और करोल बाग को, जिसमें पता किया था कि मंदी की वजह से कितनी सारी परेशानी बाज़ारों में इस वक्त है। इस समय हम देश के और एशिया के बड़े मार्केटों में से एक सदर बाज़ार में आए हैं और इस होलसेल मार्केट के ज़रिए हम पता करेंगे कि वर्तमान में और ये प्री दिवाली का जो फेस्टिव सीज़न है, यहाँ पर स्थिति क्या है बाज़ारों की। क्या मंदी की चपेट की वजह से अभी भी बाज़ार पूरी तरह से डाउनफॉल की स्थिति में है, या कुछ सुधार इन बाज़ार में फेस्टिव सीजन की वजह से आया है। इस समय बाज़ार के क्या हालात हैं वो हमें बताइए। इस समय बाज़ार के ये हालात हैं कि हम सब खाली बैठे हुए हैं। पिछली दिवाली, उससे पहले दिवाली, इवन ये लगभग पिछले 4-5 साल से हमारा काम जो है लगभग हर साल एवरेज 25% 10% 25% की डाउन पर डाउन जा रहा था। इस साल तो ऐसा खाली बिठाया इन्होंने कि एक नए पैसे का काम नहीं हो रहा। 100 कमा रहे थे, आज 100 तो कमा नहीं रहे, और जो पिछला कमाया हुआ है 50 वो भी सच नहीं है। मतलब कुछ 10-5 कुछ तो कमा रहे होंगे। कुछ नहीं कमा रहे यार, सब पल्ले से जा रहा है इस टाइम, काम नहीं है, सब टैक्सों में जा रहा है। इतनी बुरी स्थिति है, बहुत हालत खराब है काम की। जो नोटबंदी का इम्पैक्ट है वो आ जा रहा है, उसके बाद जो GST है उसने तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी है। जब से मैं बिजनेस में आया हूँ ये इतना मतलब डाउनफॉल, और इतना मतलब बिजनेस डाउनफॉल में मैंने कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी रहा तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर तो समझ लो आदमी लोग को हटा देना पड़ेगा, हम लोग को ही सब कुछ करना पड़ेगा अगर हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो। अगर ये माने कि पहले आप एक दिन में 100 रुपये कमाते थे उदाहरण के तौर पर, तो अभी आप 70 रुपये कमा पाए। हाँ, 70। इसके कुछ खास कारण, खास वजह आपके व्यापार के बता पाए तो। ऑल ओवर इंडिया में ही वो है, कामों में फर्क है सब। हमें पता है कि जिन फैक्ट्रियों में आज से 10 साल पहले 10-10 टन स्क्रैप निकलती थी, आज की डेट में 1 टन भी नहीं निकल रही। आप ये समझो कि लगभग 10% भी फैक्ट्रियों में काम नहीं है। इन दिनों में तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी हमें। अभी क्या है, अभी तो सब खाना ही खा रहे हैं, आके चाय पी रहे हैं, जूस पी लेते हैं, घर वापिस चले जाते हैं, काम तो है ही नहीं मार्केट में। मंदी की वजह एक ही है, आज जो अमेजन वाले और ये जितने भी ऑनलाइन वाले हैं आज अरबों डॉलर कमा रहे हैं, अरबों पैसे कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि बच्चे बाजार में खरीदारी नहीं करने आते, जब खरीदारी नहीं करेंगे तो व्यापारी को दुकानदार खाली बैठेंगे। ये वजह सारी मेरी अपनी हिसाब। हाँ, ये दुकानदार और आप यहाँ पर जो लोकल मार्केट का बता रहे हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो भारत में ही होगी। अब वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंटरनेट से खरीद लें या दुकानों से खरीद लें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी आ गई ना देश में, जो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है कि GDP डाउन हो गया और मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ गई, ये हुआ है ना, ये हुआ होगा। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, हमारे यहाँ से जो चाइना से माल लोग मंगाते हैं, अगर वही माल हमारे इंडिया में बने तो सरकार कर सकती है ना मैन्युफैक्चरिंग, कर सकती है, क्यों नहीं करती है फिर? उसके लिए सरकार को, हम मैन्युफैक्चरों को यानी कि फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे मान लो एक्साइज की हो गया, बिजली में हर तरह के छूट मिले जो हम देश के लिए ज़्यादा ज़्यादा कर सके। कमी तो सरकार की तरफ से हो रही है, सरकार की कमी है, बाजार ढीला है बिल्कुल, बाजार भी खराब है, बिल्कुल खराब बाजार है, एक पैसे का काम नहीं है, रश है सिर्फ दिवाली का काम धंधा, एक पैसे का नहीं है। भाई हमारी आइटम पे 5% टैक्स था, वैट जो था 5% था स्क्रैप पर, अब सीधा 18% हो गया है, कितना फर्क आ गया, 13%। घर पर जो जब आप जाते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होती होगी। बिल्कुल होती है ना, हाँ, कि कहाँ से खर्चे निकालेंगे, पेट्रोल डलवा, ये कर, घर का सामान लेके, बच्चों की फीस की स्लिप, घर के खर्चे कहाँ से पे करेंगे, जब काम ही नहीं मिलेगा कहाँ से पे किया जाएगा। चाइना का तो ऐसा हाल खराब कर रखा है, मार्केटों में जाओ चाइना का इतना माल इन्होंने मंगवाया हुआ है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री की तो ऐसी की तैसी फेर दी है इन्होंने। दिवाली आने से एक महीना पहले तक हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलता था काम में, 10 बजे 11 बजे 12 बजे पैकिंग करते थे हम लोग, ये टाइम ऐसा, और हम लोग 7 बजे 8 बजे एकदम फ्री हो जा रहे। अभी दो दिन पहले का ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत
बिजनेस है, लेकिन जो पिछले हिसाब से समझ लो अराउंड 40-50% डाउनफॉल हुआ है। इसके कारण सीधे तौर पर आप ये मानते हैं कि जो कारण यही है कि GST नोटबंदी, यही सबसे ये हिसाब से हम लोग का डाउनफॉल हुआ है। दिवाली विश हम जो है जब रात को जाते थे ना तब करते थे कि चलो भाई दिवाली मुबारक हो, अब तो यही सोच रहे हैं कि दिवाली इतनी पिटकी है कि विश तू भाई आज ही ले ले। इतना किराया घर से भर रहा हूँ सर, अभी दिवाली का तेजी का दिन था, ये हम लोग चप्पल जूते में तेजी आती इस टाइम। हाँ लोग गर्मी मंदी होती है, अभी तो उससे भी ज्यादा बदतर है। रविशंकर प्रसाद जी ने बोला जिस हिसाब से फिल्में चल रही हैं, कल को तो वो कहेंगे कि टॉयलेट के बाहर जाके देखिए कितने लोग लाइन लाइन लगी हुई है, कि इसका मतलब भुखमरी नहीं है कि सबके पेट में है तभी तो टॉयलेट करने जा रहे हैं, वो हाल वही काम कर रहे हैं, यही बात तो वही कर रहे हैं वो, मतलब फिल्मों से हमारा मतलब तय होगा। एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जाता था कि जो बीजेपी है वो व्यापारियों की पार्टी है, या यही तो हमारी गलती थी, हमने ही तो वोट दिया था मोदी जी को, हमने ही जिताया मोदी जी को और हमारी ही मोदी जी ने ऐसी तैसी फेर दी। जैसे दिवाली वेकेशन में हम लोग जाते थे शिमला मनाली या कहीं आउट ऑफ इंडिया, ये टाइम तो समझ लो घर के बाहर निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, घर से फैमिली लेके निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारा तो विपक्ष भी खत्म हो चुका है, कोई इस तरीके का सवाल कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा कि क्यों राम मंदिर हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, अरे जो पेट में दाना नहीं तो राम मंदिर क्या करेंगे हम। पिछले टाइम के हिसाब से ये टाइम हम लोग को समझ लो 40-50% डाउनफॉल हुआ है, 40-50% बड़ा डाउनफॉल है, बड़ा डाउनफॉल हुआ है हम लोग। न्यूज चैनल जी न्यूज, हमने पाकिस्तान का दम निकाल दिया, ये कर दिया, अरे पाकिस्तान का छोड़ो यहाँ हिंदुस्तान का दम निकला पड़ा इकोनॉमी का, उसको देखो जिन फैक्ट्रियों में जाता हूँ लगभग 40% लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, 40% जो 3 शिफ्टों में काम चल रहा था 1 शिफ्ट में भी नहीं काम चल पा रहा पूरा। मान लीजिए कि आज से साल भर पहले आप 100 छड़ियां बेचते थे, है ना, मैं एक उदाहरण के तौर पे पूछ रहा हूँ, अभी कितनी छड़ी बिक रही हैं? अरे पहले तो 250 बेच लेते, अब 125 बेच पाते हैं। कश्मीर के हमारे बहुत सारे थे, कश्मीर था, श्रीनगर था, ले था, वहाँ से हमारे कम से कम ऑलमोस्ट 50-60 कस्टमर्स थे, उन लोग आ नहीं पा रहे, उससे भी हम लोग को इफेक्ट पड़ा है और फ्लड वगैरह से भी इफेक्ट पड़ा है, और फिर मेन तो GST और नोटबंदी। GST नोटबंदी ऐसा हो गया कि हम लोग का बिजनेस ये टाइम तो बहुत डाउनफॉल हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हम लोग को ऐसा लगता है कि ये शटडाउन ही हो जाना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है अभी फिलहाल हम लोग को ये प्रेजेंट टाइम पे। रविशंकर जी यही कहेंगे कि देखो लाइन टॉयलेट के बाहर कहाँ से हंगर, जब इतने लोगों को टट्टी आ रही है तो इसका मतलब भूख तो है ही नहीं, भूखमरी है नहीं, वो भी गलत है, वो तो यही कहेंगे, समझिए सर बात को, उनके पास जुमले और बातें बहुत है भ्रमित करने के लिए। हाँ हिंदी भाषा में यही है।